कार्तिक महीना में शबराम जी सोचने लगे, मैंने जितना अधर्म से पैसा कमाया है, शायद है अंतिम समय पर एक धर्म के अलावा मेरा साथ कोई नहीं देगा। तो इस 10 सम्राट छबराम के हृदय में धर्म की जब भावना बनी है, तो इसने डिस्ट्रिक्ट एटा के अंतर्गत एक बहुत बड़ा यज्ञ रचा और उस यज्ञ का अनुष्ठान ये करने लगा। कार्तिक भैया कर्म फूट गए अब धन मानन को, और छबराम को भैया जब धर्म ना छेड़ स्त्रियों को, धर्म की फिर रही दुआई है। और छबराम ने जा बड़े जोर से यज्ञ रचाई है। दान जब ब्राह्मण को दियो और दीन गरीब दुखियन को अब फुलस रयो किया। आदरणीय पंडित जी महोदय, मैं 10 सम्राट नेता छबराम सिंह आपको प्रणाम करता हूँ, और आपके डिस्ट्रिक्टा में और आपकी इस यज्ञ में मैं कुछ दान दे रहा हूँ, वो आप गरीब जनता में बांट दें। अरे पोथी, क्या बोलती है तेरी भविष्यवाणी? दादा, भविष्यवाणी तो सही करी है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि एक सातिर चालाक ऐसा हो जिसका नाम युद्धपाल सिंह होगा, जिसकी गोली से हमें बचना नामुमकिन होगा दादा, और अपनी मौत का कारण भी भूरा बनेगा दादा। ना भूरा मुरारी लाल की बेटी की इज्जत लूटता और ना उसमें गोली मारता, और उसकी दूसरी बेटी उमा से कह के आता है कि तुम मुझे हरंत नदी पे मिलना। वो रोती बीतती चिल्लाती उद्यपाल सिंह के पास जाती है, लेकिन अफसोस इस बात का है कि एक सातिर चालाक ऐसा जिसका नाम उद्यपाल सिंह होगा, उसकी गोली से हमारा बचना नामुमकिन होगा दादा। अगर मेरी बात का विश्वास ना हो तो लो एक कारतूस, उस दिन मेरी भविष्यवाणी झूठी हो जाए तो मेरे सीने में कारतूस उतार देना, मैं सोच लूंगा कि दादा का दिया हुआ मेरे लिए इनाम है। अरे ओ पोथी, अगर युद्धपाल की बंदूक से गोली निकलती है तो हमारी भी बंदूक खून उगलती है। दादा, घबराने की क्या बात है, जब पोते तुम्हारे साथ है। नेता छबराम सिंह, दस तो जरूर था, दस किने कहते हैं जिनके विचार गलत हों, आर वो होते जिनके श्रेष्ठ विचार हों। ये दस तो जरूर था, मगर इतना ध्यान रखना, परिस्थिति इंसान को जब चाहे जिस मोड़ पर खड़ा कर सकती है। परिस्थिति बस दस छबराम बन गया था, मगर इसके हृदय में धर्म की भावना भी थी, तो इसने और कौन कौन से अच्छे कर्म किए। पीले हाथ किए धर्म से कछ दिन टर जाएगो, और एक दिन जाएगो फूट घड़ा जब वापस भर जाएगो। छबराम सिंह हूँ, मैं यहाँ केवल किसी को डराने या धमकाने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ केवल आपकी बेटी का कन्यादान लेने आया हूँ, केवल कन्यादान। पंडित जी, और सुनो भाइयों, ये हमने बंदूक जुर्म को मिटाने के लिए उठाई है, अगर कभी हमारी जरूरत भी पड़े तो हमारे दद्दा छबराम को याद कर लेना, जो भी तुम्हारी जरूरत पड़ेगी हम उसे पूरा करेंगे। अगर आप लोगों को हमारी जान की भी जरूरत पड़े
तो एक बार सिर्फ कह देना हमारे दादा आपके छबराम सिंह आपके पास जरूर आएंगे, आपकी फरियाद जरूर सुनेंगे, आपके लिए हम खुद चल के आएंगे। नेता छबराम की, नेता छबराम की, धर्म से कछु दिन कर जाएगो, एक दिन जाएगो फूट घड़ा जब वापस भर जाएगो, कि दिल में दहशत के भारी और नेता भय छबराम सदा तीनन को हितकारी। अगले महीने में आकर आगरा रीजन के सबसे बड़े पुलिस ऑफिसर ने डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी के डीएम साहब को जब ज्यादा भरा बुला कहा, तो अगले महीने में आकर गवर्नमेंट की तरफ से छबराम के ऊपर इनाम कितना घोषित हुआ, अगले भाई न सेना हुकम सरकार सुनायो है, छबराम के ऊपर लाख रुपया रखवायो है। ठीक है सर, अगर आप बोल रहे हैं तो 1 लाख रुपए के नाम से छबराम घर पे आयो है और आत्मसमर्पण करवे पूजा को दिल ललचायो है। ये डाकू नामी है और छबराम के देखन को मेला जुर्रे गामी है। तुम बेटा इतने समय किसी ने देख लिया तो क्या होगा? तो क्या करें, देख लिया तो क्या होगा बेटा? बेटा जी बाबू, तुम्हें पकड़ने के लिए सरकार ने 1 लाख रुपए का इनाम रख दिया हमारे ऊपर। हाँ बेटा, 1 लाख का। मेरी बात मानो बेटा, तुम्हारे बच्चे छोटे छोटे हैं, अपने आप को कानून के हवाले कर दो बेटा। ठीक है बाबूजी, मानते हैं, कर देंगे, आपकी बात मानेंगे, कानून के हवाले कर दो बेटा। पड़िया चौराहे पर हम अपना आत्मसमर्पण। हाँ बेटा, ठीक है बेटा। जिस वक्त 10 सम्राट छबराम डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी के अंदर पड़रिया चौराहा, जो उस पीरियड में तो जब छबराम था तब ये थाना कुरावली में था, मगर इस पीरियड में ये थाना ओछा के अंतर्गत है, जब छबराम पड़रिया चौराहे पर आकर बैठा आत्मसमर्पण के लिए, तो केंद्र के मंत्री श्री बीपी सिंह जी उस पीरियड में जब पड़रिया चौराहे पर आए और जैसे ही 10 सम्राट को बैठा हुआ देखा, मंत्री जी ने यह प्रश्न किया कि आखिर तुम चाहते क्या हो? तो छबराम खुले शब्दों में बोला, मंत्री जी मेरी एक बात सुन लो, सिर्फ मेरा एक उद्देश्य है 10 बनने का, भूखा जब तक इंसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा, अगर आप हम लोगों को समाज में फिर से बुलाना चाहते हैं तो सिर्फ मेरी एक शर्त है कि पड़रिया चौराहे के पास से एक डिग्री कॉलेज और देहाती जनता के लिए एक ऐसा विशेष कारखाना खोला जाए जिसमें बेरोजगार लोग अपनी रोजी और रोटी को कमा सकें। पर हमारी दो शर्तें हैं, वो शर्तें आपको माननी पड़ेंगी। पहली शर्त यह है मंत्री साहब कि इस पड़रिया चौराहे पर एक चीनी का मिल बनाया जाए जिसमें गरीब मजदूर लोग काम कर सके,
दूसरी शर्त यह है मंत्री साहब, इस पड़िया चौराहे पर एक डिग्री कॉलेज बनाया जाए, बच्चे पढ़ लिख कर शिक्षा अच्छी प्राप्त कर सके। मंत्री जी बतराए और मोहर सिंह माधो सिंह जैसे कारनामे पाए, बड़ो है सुर बलंकारी और नेता भ छबी राम सदा दीनन को हितकारी।